दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo V40 स्मार्टफोन को Vivo V40 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भी अच्छी बात है भाई, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही दोस्तों आईपी रेटिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें IP68 की रेटिंग भी दी गई है। यानी कि दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर फुली प्रूफ है भाई वाटर और डस्ट दोनों से, ये भी काफी बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। दोस्तों फन टच 14 भाई ब्लॉटवेयर भी मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। और अब बारी आती है चिपसेट की, तो V40 के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ V40 Pro के अंदर हमें Dimensity 9200 Plus 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन यार गेमिंग अगर आपको बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, तब आप यहां पर डेफिनेटली V40 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस मिल रहा है, जो कि सही में एकदम मजेदार वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो V40 के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ V40 Pro के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे V40 की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ V40 Pro का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो भी है 50 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, सही में एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज को क्लिक कर देगा, क्योंकि दोनों फोन्स यहां पर भाई कैमरा सेंट्रिक है। भाई सबसे पहले Vivo V40 के कैमरा सैंपल देखिए, जिसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई सही में दोस्तों इस फोन का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन स्टिल दोस्तों डिटेलिंग अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए, साथ ही साथ फोन में टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली V40 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि यहां पर हमें टेलीफोटो कैमरा मिल रहा भी काफी अच्छी बात है। और इस फोन के कैमरा सैंपल देख के भी ना आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा भाई। तो कैमरा के पर्पस से आप V40 और V40 Pro दोनों को कंसीडर कर सकते हैं भाई। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबिलाईजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों देखिए सेल्फी लवर के हिसाब से भी यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना एकदम बढ़िया वाली डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज भी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है। भाई दोनों फोन्स में हमें बड़ी बैटरी भी दी गई है, साथ ही यार दोनों फोन्स 80W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर भी आपको चार्जर मिलेंगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि V40 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 35,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ V40 Pro स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 46,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों फोन यहां पर भाई बिल्कुल टॉप लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहे हैं, साथ ही दोनों फोन यहां पर कैमरा सेंट्रिक भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको फोन में मेन प्रायोरिटी भाई टेलीफोटो कैमरा और एकदम टॉप लेवल वाली गेमिंग करनी है, तभी आप यहां पर V40 Pro की तरफ जाइए, अदरवाइज भाई आप Vivo V40 को बाय कर लीजिए, काफी ज्यादा बढ़िया फोन है। तो बस दोस्तों यही